कुछ भी नहीं बदला, सब वैसा का वैसा ही है। बत्रा 2020 की अभी मेमोरी से बाहर ही नहीं आया था जो कोहली ने 2 छक्के लगाए थे हारिस रऊफ को, और अब ये, अब इसे भी बंदा कैसे झेलेगा। जब आपकी टीम से 120 बॉल पर 120 रन नहीं बनाए जाएंगे तो बंदा क्या ही कहेगा। मतलब पूरी कौम जो है इस वक्त टूट चुकी है, इंतहाई घटिया किस्म की बैटिंग और इतनी ही घटिया हमारी फील्डिंग। जब आपसे रन अप बॉल चेज नहीं होगा तो आपसे क्या उम्मीद रखेगा बंदा। मतलब इससे आसान टारगेट हो नहीं सकता। सबसे लोएस्ट टारगेट पे आज T20 वर्ल्ड कप की टीम इंडिया आउट हुई है 119, और हमसे वो भी चेज नहीं। तो चलिए बिल्कुल जरा हम मैच के बारे में बात करते हैं। इतनी जबरदस्त बॉलिंग करी नसीम शाह ने, मोहम्मद आमिर ने, और अल्लाह अल्लाह करके आज हारिस रऊफ ने भी 1 ओवर में, जब पहले ओवर में 13 रन दिए तो लग नहीं रहा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग करी, 3 विकेट उठाए। 119 रन पर 19 ओवर में घर भेज दिया टीम इंडिया को। उम्मीद थी सारी कौम को कि आज जो है पाकिस्तान हरा के रहेगा, और बहुत जबरदस्त स्टार्ट लिया पाकिस्तान ने और अच्छा खेल रहा था। और बाबर आजम का जो एक होता है ना जीनियन एज निकलना, जीनियन एज नहीं निकला, कट खेल, और कट खेले तो उनके स्लिप के फील्डर की फील्डिंग चेक करें यार, ये होता है स्लिप का फील्डर, एक्टिव और बिल्कुल ऐसा खेलते हैं जान मार देते हैं। एक हमारा स्लिप का फील्डर है, अब जरा उसमें बात करते हैं, ये चाचा के बारे में, भाई इसको स्लिप में खड़ा कौन करता है, मतलब कौन वो है, कौन है इनका फील्डिंग कोच, कौन है, कौन बंदा जो उसको बोलता है स्लिप में आगे खड़ा। बॉल बाद में जा रही होती, 3 किलो पेट लटका हुआ यूं करके हाथ आ रहा होता उसका, बाद में यार आपने स्लिप पे खड़ा। सारी हीट इस बंदे ने, सारी भरमबाजी इस बंदे ने जो निकाल ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाल ली और जो है क्राउड के ऊपर निकाल ली, ग्राउंड में इस बंदे से कुछ नहीं होगा। 5 रन बनाए 9 ओवर पर, तो फिनिशर लेकर आता है और इन्होंने फिनिश कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट यार। मतलब इंतहाई, मतलब फुल टॉस पर नहीं लग रहे, फ्री हिट फुल टॉस मिली वो मिस करी, बुमराह की फुल टॉस पर आउट हो गए। हम किस तरीके, वो जो मुन्ना भैया ने बोला था ना एक सीरीज में, वो भरोसे वाला चाचा, वो कोई और चाचा नहीं थे, वो हमारे ही चाचा के बारे में बात की होगी, ये इल्जाम बन गए। अब हम बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की, 44 बॉल 31 रन, अगर एक छक्का और एक चौका उनका हटा दे तो 42 बॉल पे 21 रन बनाया उन्होंने। मतलब ये टेस्ट मैच खेल लो यार, तुम रन बॉल खेलने आए हो, सिंपल चीज को रखो, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक तो रखो। उनके प्लेयर्स ने क्या करा, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक रखी, हमारे प्लेयर्स को रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के मायने ही नहीं पता। डॉट 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 डॉट, कितनी डॉट खेलेगा भाई। और इतना जब आपने मैच को बना लिया, आप किस मोमेंट पे आउट हो रहे हो, बुमराह को 1 ओवर के लिए लाया, हर कोई हर किसी को पता है वो दोनों ओवर नहीं करेगा, 1 ओवर के लिए लाया है, 18-19वां ओवर ही दिया जाएगा उसको, लेकिन क्या है, 1 ओवर के लिए लाया है, उसकी पहली बॉल पर उनका प्रीमियर बॉलर है इस तरीके से रैंप, कौन खेलेगा, कौन, कोई सेंसेबल क्रिकेटर खेल सकता है, नहीं। पूरा मैच बना हुआ है मैच वहीं पे, और उसके बाद ऐसा लग रहा है टीम ने कुछ कोशिश ही नहीं करनी। शादाब खान पता नहीं बाबर आजम की पर्ची पर कब तक खेलेगा समझ में नहीं आ रहा। बॉलिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग छुपाने के लिए बंदे ने उसको किस किस तरीके से बचा रहे, आज बैटिंग देख लो, मतलब किस तरीके से पांडे आउट करने के बाद हंस रहा था, एक रुपए की परफॉर्मेंस नहीं इन लोगों की। इमाद वसीम के बारे में बात करेंगे, टीवी पे बैठ के तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, 15 रन बनाए 23 बॉल पर, भाई उस बंदे से रनिंग नहीं हो रही बिटवीन द विकेट, फिट नहीं है, लेकिन खिला दिया, जिद है ना कि बस खिलाना है तो बस खिला दे, क्योंकि पीछे बैकअप पे प्लेयर ही नहीं है, किसको खिला दे, उसको बैठा देते तो। और हाँ, आजम खान की कॉल आई है, वो बोल रहे क्या उखाड़ लिया मुझे बैठा दे। तो अब इस प्लेयर के अलावा इमाद हो गया, मतलब मिडिल ऑर्डर पूरा पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर हमारी टीम का खत्म। तो कंग्रेचुलेशन टीम पाकिस्तान फॉर क्वालिफाइंग फॉर द क्वालिफायर ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026, और इसके आगे बंदा क्या ही कह सकता है। यूएसए की टीम हमें आगे जाते हुए नजर आ रही है, और बेटर टीम विल डिजर्व, और टीम इंडिया तो वैसे भी पहुंच जाएगी, उसके भी 2 पॉइंट है, क्या कह सकते हैं बंदा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में।